Okay, hello students. Last time we have studied about relative lowering in vapor pressure. तो हमने ये भी समझ लिया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एग्जैक्ट मतलब क्या है. ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, पी वन नॉट माइनस पी वन और पी वन नॉट विल गिव यू डब्ल्यू टू इंटू एम वन एम अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन. तो यहाँ पर एक चीज और भी याद रखना, मैंने बताया भी था कि जो वन है वो आपका सोलवेंट के लिए यूज होगा. अगर एम वन लिखा है तो मतलब है मास ऑफ द सोलवेंट. टू किसके लिए यूज होगा? सोल्यूट के लिए. ठीक है, तो डब्ल्यू टू लिखा है तो मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट. ओके, तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है 2.6. ये बिल्कुल सीधा सीधा सा न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ भी मतलब टफ वाला कुछ है नहीं. तो मेरे हिसाब से आप लोग बड़े ईजिली कर लोगे, बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और देखना है कि क्या गिवन है और क्या पूछा है. ठीक है, तो अभी जो हमारी सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, अगर याद हो किसी को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं. इस बात पर डिपेंड करती हैं कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड किया है सोल्यूशन बनाने के लिए उसके कितने पार्टिकल हैं. बट ये नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने KCl डाला है या लिथियम क्लोराइड डाला है या फिर बेरियम क्लोराइड डाला है, मतलब समझ गए ना. तो केमिकल सब्सटेंस के नेचर पर तो कोई इसका इफेक्ट होने नहीं वाला, पर हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर इसका इफेक्ट जरूर होगा. क्लियर, तो इसी सीरीज में हमारे जो सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, एलिवेट हो रहा होगा. एलिवेट मतलब बढ़ना, रेस होना. ठीक है, तो ये देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि अगर आप किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल आपने सोल्यूट ऐड किया, तो ये देखा गया कि उस सोल्यूशन या उस सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज कर जाता है ना. ये हमने अभी फर्स्ट वाले में पढ़ा है, अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, तभी हमारा वो टर्म आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से क्या लेना देना है, ये तो हम बड़े टाइम से पढ़ रहे हैं, है ना. जैसे मैंने आपको कई बार बताया भी है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है. अक्सर लोगों को ये लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर आपका कोई लिक्विड बॉयल करता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता. बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. ठीक है, ठीक है. अभी को यहाँ पे मैंने लिखा है रेड कलर में कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर, वीपी स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता है ना, 1 atmosphere के इक्वल होता है. और हम इसको बार में अगर कन्वर्ट करना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपको बार में लिखना हो तो क्या वैल्यू होती है, 1.013 bar. ठीक है, क्लियर. तो अगर आपका जिस टेम्परेचर पर आपका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा. ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि अच्छा ये बात तो हमको क्लियर हो गई. दूसरी बात, हमको ये भी पता है कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है. जैसे जैसे आपने उसको हीट किया, है ना, जिस जैसे आपने उसको टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड फेज छोड़कर गैसियस फेज में जाएंगे, है ना. आपने देखा होगा पानी को जब आप हीट करते हो तो पानी में से भाप निकलने शुरू हो जाती है ना, स्टीम. ओके, वो स्टीम क्या है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर फेज में आ गए हैं. ठीक है, क्लियर. तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर दिया ना, तो लिक्विड के जो पार्टिकल थे वो लिक्विड फेज छोड़कर गैसियस फेज में जाना शुरू कर देते हैं. जैसे जैसे पार्टिकल गैसियस फेज में जाते हैं ना, उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा उस सॉल्यूशन का, है ना. जितने ज्यादा पार्टिकल उस सॉल्यूशन के ऊपर जो गैसियस फेज है ना वहां पर आ जाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा, है ना. तो हमको एक बात और समझ में आ गई कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. मतलब जितना टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, है ना. अब एक बात और समझिए आप, एक चीज हम आपको समझाते हैं. ब्लू कलर में देखो जो मैंने लिखा हुआ है,
बिफोर एडिंग सोल्यूट, हमने एक चीज मान ली कि जब सोल्यूट हमने ऐड नहीं किया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमारा, तो हमने माना कि उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो ए है. सपोज कीजिए उसका वेपर प्रेशर क्या है, ए. ठीक है, आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब देखो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो मैंने बताया कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना. तो सपोज कि एक्स अमाउंट से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो हमने क्या लिख दिया कि अभी हमारा जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या है, ए माइनस एक्स है. ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर मेरा रिड्यूस हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर. अब देखो यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है ना, तो दोनों में से किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा सो दैट इन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए. ठीक है, देखो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है ना, तो जिसका प्रेशर कम होगा उसको आपको उसे आप ज्यादा हीट करोगे ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए. इसका तो ऑलरेडी ज्यादा है, इसको तो थोड़ा सा हीट करोगे तो भी ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंच जाएगा, बट इस वाले को आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा. ठीक है, इससे हमें क्या समझे कि जो पहले वाला हमारा था सॉल्यूशन, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, ये लो टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था. ठीक है, ये किसी लो टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था, बट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर हमारा जो अभी सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, अभी इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए. तो ये जो सॉल्यूशन हमारा नेक्स्ट बना है ये हमारा हाई टेम्परेचर पर बॉयल करेगा. समझे आप, ये पहले लो टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा था, अभी हाई टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है. मतलब मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया है. जो पहले कम टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा था, अभी वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है ना. तो मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ है. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई. अब इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं. ये आपको एक फिगर दी है, फिगर 2.7 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको. ये जो वाला कर्व है ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, जब आपने कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, है ना, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है. अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है टीबी, टीबी किसे डिनोट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को. ठीक है, टीबी नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है. अब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो जाहिर सी बात है जो टीबी की वैल्यू है वो टीबी नोट से ज्यादा होती है. ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा. ठीक है, क्लियर. तो इन दोनों का जो चेंज आया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, मतलब चेंज इन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा टीबी आपको, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डेल्टा टीबी आपको क्या बताता है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. और आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट जो कि टीबी है उसमें से माइनस करना पड़ेगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सॉल्यूशन का ज्यादा है ना, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, इसलिए सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से आपको सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करना पड़ेगा. और इस वैल्यू को, डेल्टा टीबी को हम क्या कहते हैं, इसे बोलेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अभी एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर समझ लेते हैं. देखिए येलो कलर से एनसर्कल किया हुआ है. फर्दर स्टडीज से ये भी पता चला है कि ये जो डेल टीबी है, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये मोलैलिटी पर डिपेंड करता है. स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, लिखा भी है मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी है. मोलैलिटी के लिए कैपिटल एम होता है और मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम होता है. ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली मोलैलिटी पे. जैसे हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमको कोई कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना. हमने कर दिया एक कॉन्स्टेंट, दैट इज KB. KB इज योर कॉन्स्टेंट. तो क्या नाम है इस KB का, इसे बोलते हैं, इसको तीन नाम से जाना जाता है. समझ लीजिए, क्वेश्चन में किसी भी नाम से दे सकता है. ठीक है, KB की वैल्यू किसी भी नाम से दे सकता है. या तो बोलेगा ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, पहला नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट. दूसरा है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट. ठीक है, और तीसरा है एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट एंड एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. ठीक है, अभी यहाँ पर इस KB की यूनिट याद रखनी है. ये जो कॉन्स्टेंट है इसकी यूनिट क्या है,
केल्विन, यहाँ पे ब्लूइंग से लिखा हुआ देखो, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, ये केबी की यूनिट है, ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए, केल्विन केजी पर मोल। अब देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर आपको ये देखो दिख रहा है कि डेल्टी बी केबी इंटू एम के इक्वल है, तो आप यहाँ पे एम की वैल्यू इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला डाल दो। अब मोलैलिटी की क्या होती थी, बताई थी मैंने आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं वो आपकी मोलैलिटी होती है, ठीक है। तो हमने डाल दिया जी W2 ओवर M2 क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड किया गया है W1 ओवर 1000। W1 इज योर वेट इन ग्राम्स, हमें kg में चाहिए, सॉल्वेंट का जो वेट है 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट ना, तो W1 इज अ वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें जो सॉल्वेंट का वेट है वो kg में चाहिए। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में जनरली वेट दिया होता है वो अगर ग्राम में दिया होगा तो आप उसे 1000 से डिवाइड कर देना, अगर ग्राम में नहीं दिया है केजी में दिया है तो ये 1000 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। अभी इसको इन्होंने फर्दर सॉल्व कर लिया, इसी चीज़ को ओपन कर लिया, तो ये आ गया है 1000 इंटू W2 ओवर M2 इंटू W1, ठीक है। ये W2 W1 जो आपके वेट है ये ग्राम में है, ठीक है, ये दोनों वेट किस में है, ग्राम में है। अगर W1 kg में दिया होगा तो ये 1000 नहीं आएगा, याद रखना, अगर क्वेश्चन में W1 kg में है, ठीक है, तो ये 1000 नहीं आएगा, ये 1000 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये जो W1 है ये आपका ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, क्या। अभी हमने स्मॉल m की जो ये वैल्यू थी ना अभी निकाल ली और ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दी, कौन सी ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यहाँ पर m की वैल्यू डाल दी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2.30 आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है, ये आ गई। अब मैंने आपको जनरली बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना इन पे न्यूमेरिकल अक्सर आता है मॉलिकुलर मास की डिटरमिनेशन के लिए, ठीक है, सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास पूछा जाता है आपसे, तो M2 पूछा जाता है क्वेश्चन में, बाकी सारी चीज़ें गिवन होती हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि अगर M2 को इधर ले जाओ, है ना, M2 को लेफ्ट साइड ले जाओ, ये जो डेल टी बी है इसको राइट साइड ले जाओ, डेल टी बी राइट साइड जब आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा और ये M2 आपका न्यूमिनेटर में जाएगा, तो लिख दिया M2 जो है किसके इक्वल हो गया, 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइड बाई डेल टी बी इंटू W1। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि इस पर मैं बिल्कुल एकदम न्यूमेरिकल दिखाने वाली हूँ। W2 क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, और W1 है आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट, KB क्या है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एंड डेल टी बी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब कर लेते हैं इसको, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, हाँ ये वाला न्यूमेरिकल देख लो, एग्जाम्पल 2.7 अपनी बुक में आप यहाँ भी देख सकते हो, अपनी बुक में भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो इसकी एनसीईआरटी से करा देती हूँ कि एनसीईआरटी की ऐसी कोई चीज ना हो जो आपकी छूट जाए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। अब समझ में आ गया कि सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, ज्यादा अमाउंट में क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना 1 kg, तो वाटर इज योर सॉल्वेंट हियर एंड ग्लूकोज दैट इज योर 18 ग्राम इज अ सॉल्यूट, ठीक है, क्लियर। ये आपने मिक्स कर दिया इनको, अब ये पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 bar, ठीक है, ये 1.013 bar क्या था आपका, एटमोस्फेरिक प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ बार, ठीक है, केबी की वैल्यू दे दी है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है 0.52, यूनिट भी देखो साथ में वही है केल्विन केजी पर मोल। अब आपसे टेम्परेचर पूछा है कि किस टेम्परेचर पर ये बॉयल होगा, ये टीबी पूछा है, टीबी नोट नहीं पूछा है, टीबी पूछा है। अब देखो पानी जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, तो अभी जब आपने ग्लूकोज मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट रेज कर गया होगा, है ना, तो पानी का क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करोगे तो 373। सॉल्यूशन का पूछा है आपसे, तो देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन में बताती हूँ आपने क्या करना है, आपको अपना फॉर्मूला याद है ना, डेल टी बी, ये वाला डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना, ये फॉर्मूला हमारा चल सकता है क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन में मॉलिकुलर मास नहीं पूछा है, मोलर मास नहीं पूछा है सॉल्यूट का, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन का, ओके।
तो हमने क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला लगाना है हमने, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। अब के बी तो गिवन है 0.52 समथिंग है गिवन, एम क्या था, मोलैलिटी, ये निकाल लेते हैं। मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको पता होना चाहिए उस सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोलवेंट के केजी अमाउंट में, किलोग्राम में सोलवेंट चाहिए और आपको सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन देखें ना, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सोलवेंट का मास पहले दे दिया है 1 kg, ठीक है, सोलवेंट 1 kg दे दिया है, बचा क्या है आपको, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो लिखो ये, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, गिवन लिखा करो, सोल्यूट ग्लूकोज था जिसका वेट W2 था, और सॉरी जिसको हम W2 से डिनोट करते हैं, 18 g वेट है। सिमिलरली सोलवेंट को डिनोट कर दिया। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जो कि मैंने अभी बताया हमारा टास्क है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आप वेट ऑफ द सब्सटेंस को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वेट ऑफ द सब्सटेंस कितना है, 18 g है, मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास आप कैलकुलेट करो इसका C6H12O6, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे ना, 12 × 6, एक कार्बन का 12 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 होता है 12 × 1, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 × 6, तो इनको सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 180 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो डिवाइड कर दिया 18 बाय 180, कितना हो जाएगा 1/10, है ना, मतलब 0.1 मोल आ गए आपके, 0.1 मोल आ गए हैं, ठीक है। अभी देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाले आपने, कितने आए, 0.1, ठीक है, 0.1 आपका मोल आया है, यहाँ पे 0.1 लिख देना न्यूमरेटर में। नीचे क्या लिखोगे, सॉल्वेंट का वेट कितना था 1, तो 0.1 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा 0.1, तो कितनी मोलैलिटी आई है आपकी 0.1। देखो यहाँ पे इन्होंने पुट भी कर दिया, केबी की वैल्यू तो वही है 0.52 गिवन थी, मोलैलिटी की वैल्यू क्या डाली है 0.1 डाल दी है। इसे जब इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो इन्होंने देखा कि जो डेल टीबी की वैल्यू है वो कितनी आई है 0.052 केल्विन आ गई है। अब मेरी बात सुनो, डेल टीबी की वैल्यू आ गई है। अब डेल टीबी याद है ना किसी को क्या था, डेल टीबी था आपका टीबी माइनस टीबी नोट, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कोई भूल ना गया हो, ये देखो यहाँ पे डेल टीबी क्या था आपका, टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है। डेल टीबी की वैल्यू पता चल गई, कैलकुलेट कर ली है, टीबी निकालना है और टीबी नोट तो ऑलरेडी तुमको पता है पानी का कितना होता है 373 केल्विन होता है, पानी सॉल्वेंट है ना, टीबी नोट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का था, ये 373 था, इसकी वैल्यू आ गई है 0.052, तो टीबी आप निकाल दो, है ना, कैसे निकालोगे, इसको इधर जाके ऐड कर दो, तो 373 में ऐड हो जाएगा आपका समझो 0.0, देखो 373.15 में ऐड कर दो 0.052, ये जो वैल्यू आ गई है ऐड करने के बाद, ये आपके उस सॉल्यूशन की वैल्यू है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की, जिसमें आपने ग्लूकोज ऐड किया है, क्लियर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना, M2, देखो यहाँ पर M2 पूछा है, फिर भी मैं हल्का सा आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है बेंजीन का 353.23 केल्विन दे दिया, जब बोला है कि 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये 1.80 ग्राम क्या है जी, W2 है आपका, सॉल्यूट का वेट दिया है W2 है, डिसॉल्व्ड इन 90 g ऑफ बेंजीन, 90 g ऑफ बेंजीन, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, 90 लिया है ना वो, 1.80 लिया है, 90 लिया है, तो 90 g आपका W1 है, ये W2 है, ये W1 है। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन, ठीक है, ये तो जो आपका 353 था ये प्योर सॉल्वेंट का था, प्योर बेंजीन का था, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, इंक्रीज कर गया, तो कितना हुआ 354.11 केल्विन। तो इन दोनों वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, डेल टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, आप इन दोनों वैल्यू से निकाल देना, इस वाली से और इस वाली से, ठीक है। अभी पूछा है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास पूछा है, मतलब M2 पूछा है, KB दे दिया है 2.53, समझ के सारी चीजें गिवन है, ये जो ऊपर फॉर्मूला था ना M2 का, ये वाला 1000 × W2 × KB × ΔTB / ΔTB × W1, सब वैल्यू दी है, W2, W1, KB, ΔTB सब दिया है, आपने वैल्यू को पुट करना है इसलिए, और M2 की वैल्यू निकाल देनी है, सिंपल क्वेश्चन है।
तो बड़े सिंपल क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से आते हैं। फिर भी अगर आप छोड़ के आओगे तो मतलब फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना, फिर तो आप लोग खुद जाने कैसे करना है। तो नेक्स्ट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, बट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। अभी हम इसको बताते हैं कैसे करेगा। देखो, अभी जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया था, मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट भी बता देती हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर तो नहीं होता जहाँ पर कोई आपका लिक्विड फ्रीज हो जाए, ऐसा नहीं होता। फ्रीजिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है जहाँ पर वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। जैसे पानी है जो आइस में चेंज हो रहा है ना, जब आप पानी को फ्रीज करते हो, कोशिश करते हो, ठंडा कर रहे हो कि ये फ्रीज हो जाए, आइस बन जाए, तो एक जिस टेम्परेचर पर आपका पानी का जो वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज में, वो आइस का जो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉलिड फेज में पानी आइस है, ठीक है ना। ओके, तो वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, ठीक है, ऑफ वाटर जब इक्वल होगा तो वो टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। वो हमको पता है ना, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी जीरो पे आइस बन जाता है, इसका मतलब ये है कि जो जितना आइस में चेंज हुआ होगा वो थोड़ा बहुत, तो उस आइस का जो वेपर प्रेशर है और पानी के जो लिक्विड फेज 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा प्रेजेंट, उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि जीरो पे पानी लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, सारा पानी एकदम सॉलिड में चेंज नहीं होगा ना। आप उसको फ्रीज कर रहे हो तो वो धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है, ठीक है, एकदम से सारा फ्रीज नहीं होगा। क्लियर। अब देखो, अब मैंने बताया था ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर, फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर रहा है। एक चीज आपको यहाँ पे मैंने बतानी है कि सेम जैसे इक्वेशन थी आपकी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, सिमिलर यहाँ पर है। यहाँ पर हम डेल टी एफ आपको डिनोट करेंगे। डेल टी एफ आपका क्या बताएगा, डेल टी भी बताता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल टी एफ बताएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आया है। ठीक है, तो टी एफ नोट किसका होगा, नोट किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, है ना। टी एफ नोट होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का अभी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, तो छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं बड़ी में से। ओके, तो ये आपने देख लिया। तो जैसे आपने डेल टी भी डिफाइन किया था ना, सिमिलरली डेल टी एफ डिफाइन कर दो। ये क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम यहाँ पर भी वही है, मोलैलिटी ही है, ठीक है, और के एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। वहां पर क्या था, के बी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। इसके भी तीन नाम है, इसे बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, और एक अच्छा सा नाम ये है, देखो डिप्रेशन कॉन्स्टेंट समझ जाओगे, जहां जहां डिप्रेशन आएगा मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोला कि मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, तो डिप्रेशन किस में हो रहा था, फ्रीजिंग में हो रहा था, है ना, तो वो के एफ है। अगर बोला मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, तो एलिवेशन किस में हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा था, तो मतलब वो के बी है। और इसका तीसरा नाम है जो आप जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो के एफ को क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, जबकि के बी को हम एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलते थे। ठीक है, यूनिट इसके भी सेम है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल इसकी यूनिट है। यहाँ पर हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, स्मॉल एम की वैल्यू डिफाइन कर दी, वही जैसे ऊपर किया था, मोलैलिटी को डिफाइन किया हमने, फिर एम का जो वैल्यू है वो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। कौन सी वाली में, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये जो आपकी 2.34 इक्वेशन है ना, इसमें आपने स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद मेरे पास सिमिलर इक्वेशन आ जाती है जैसी मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाले में देखी थी। देखो यहाँ पर भी हमने m2 को लिखा है, m2 किससे इक्वल है, के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 ओवर डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। डब्ल्यू टू ऊपर है और याद रखना डब्ल्यू वन नीचे रहता है इस क्वेश्चन में, उसमें भी यही है बॉइलिंग पॉइंट वाले में। फर्क क्या है, वहां पर के बी है, यहाँ पर के एफ है। ठीक है, वहां पर के बी है, यहाँ पर के एफ है। दूसरा डिफरेंस ये है, वहां पर डेल टी बी है, यहाँ पर डेल टी एफ है। ठीक है, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताएगा डेल टी बी, और डेल टी एफ बताता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो
यहाँ पर सिर्फ इन दो टर्म्स का फर्क है, बाकी जो आपकी क्वेश्चन है वो एज इट इज सेम है, ठीक है। तो आपको बस एफ की जगह बी लगाना है, तो आपकी यही जो क्वेश्चन है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए बन जाएगी। ओके, तो फॉर्मूला याद रखना, ऊपर डब्ल्यू टू है इंटू थाउजेंड है, नीचे डब्ल्यू वन है, और के एफ भी ऊपर है कॉन्स्टेंट, और जो चेंज आता है वो नीचे रहता है, जो डिप्रेशन या एलिवेशन जो भी आएगा वो नीचे की तरफ रहेगा। फिर उसके बाद नहीं, पहले मैं इसके इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिखाती हूँ, 2.36 वाली इक्वेशन जो है ना, इनके ऊपर आपको मैं न्यूमेरिकल दिखाती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एक मिनट रुको, आओ आओ आओ। हाँ, ये वाला, ये देखो एग्जांपल 2.9 आपका बुक में, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है दिया गया है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड वी मिक्स दिस इथाइलिन ग्लाइकोल विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर इज योर नाउ सॉल्वेंट, क्योंकि अमाउंट इज मोर, 600 इज मोर देन 45, ओके। तो 600 ग्राम ऑफ वाटर में आपने डिसॉल्व किया। नाउ व्हाट दे आस्क यू, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया है कि डेल टीएफ कितना है, और ये भी पूछा गया है कि जो सॉल्यूशन है जिसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम टीएफ से डिनोट करते हैं सॉल्यूशन के, वो क्या है, ठीक है। अभी देखो इसके इसमें कौन सी क्वेश्चन लगेगी, मोलर मास वाला कुछ पूछा है, बोला है मोलर मास निकालो, नहीं निकालो ये नहीं बोला ना, तो कौन सी लगेगी वो 2.34, कौन सी थी वो, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। डेल टी एफ, सॉरी इसमें तो एक मिनट रुक जाइए, हाँ इसमें पहले सबसे पहले आप क्या करो, जाहिर सी बात है आपको मोलालिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोलालिटी जो है आपकी वो मोल्स ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, ठीक है। पानी का जो मास है वो किलोग्राम में है, उसे डिवाइड कर दीजिए। अब इससे क्या होगा आपका, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल कैसे निकालोगे, वेट गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, फॉर्मूला भी दे रखा है C2H6O2, इसका आप मोलर मास निकाल लीजिए, ठीक है। मोलर मास निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे जो मोल्स आ रहे हैं वो 0.73 आ रहे हैं, ठीक है। अभी पानी का जो मास है वो ग्राम में है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको केजी में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड करके, तो आ गया 0.6 केजी। अभी मोलालिटी निकाल दिया आपने, है ना, मोलालिटी निकाल दी है। तो यहाँ पर इन्होंने, सॉरी ये बताना था, जो इन्होंने दिया ना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये कांस्टेंट लिखना भूल गए, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है, पूछा है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है, क्लियर। वो आप निकाल लोगे, ये देखो मोलालिटी निकाल दी डिवाइड करके, 1.2 मोल पर केजी मोलालिटी आ चुकी है। अभी देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, एट टीएफ में क्या होगा, 1.86 केल्विन केजी पर मोल दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से, वैल्यू आ गया 2.2 केल्विन। फिर आपका एक्वस सॉल्यूशन का पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट, सो सॉल्यूशन बना लिया, तो क्या करोगे, 273 में से 2.2 आप माइनस कर दो, दैट इज योर 270.95 केल्विन, ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन में ना कुछ मिसिंग है, पता नहीं क्या लग रहा है मुझे, एक मिनट। हाँ अभी हमको समझ में आया, इन्होंने स्टेटमेंट में केएफ का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। अरे देखो ऐसी सी मिस्टेक सी एनसीईआरटी भी कर देती है फालतू की, आपको सॉल्यूट का वेट भी दे दिया है, सॉल्वेंट का वेट भी दे दिया है, बट केएफ की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि केएफ की वैल्यू के बिना तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, तो केएफ की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, क्लियर। ये आपकी केएफ की वैल्यू है, अब यहाँ पे एटीएफ लिख रखा है, इसको बताओ क्या मतलब है, ये केएफ की वैल्यू है, एम की वैल्यू पता चल गई, डेल टीबी की वैल्यू आ गई है 2.2 केल्विन, डेल टीबी आपने निकाल दिया है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकाल दिया है, और अभी ये डेल टीएफ की वैल्यू आ गई है जो आपसे पहले में पूछा गया है, और दूसरे में क्या किया है, मतलब दूसरा क्या पूछा था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो बस क्या करना है, सॉल्वेंट में से जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में चेंज करोगे कितना आएगा, 273.15। आपको पता है ना सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, जस्ट ऐड 273.15 केल्विन, ठीक है, सॉरी जस्ट ऐड 273.15 वैल्यू, ठीक है, इन किस में ऐड करनी है, जो आपको डिग्री में वैल्यू दी गई है ना डिग्री सेल्सियस में, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, ऐड कर दो, तो आपका जो सम आ जाएगा निकल के
वो आपका केल्विन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें से आपने ये जो डिप्रेशन था फ्रीजिंग पॉइंट में उसको माइनस किया, तो आपके पास ये जो आया ना 270.95 केल्विन, ये क्या आ गया, आपके पास ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया उस सॉल्यूशन का जिसमें आपने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा हो रहा था ना पहले, अगर आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो वो और कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, वो जीरो से भी कम टेम्परेचर पर, जीरो से कम क्या होता है माइनस में जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला जाएगा अगर आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, ठीक है। क्लियर। अभी जो दूसरी इक्वेशन है उस पर देख लेते हैं, कौन से वाली, M2 वाली पे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 2 पॉइंट वाला। देखो 1 ग्राम डाला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, डिजोल्व किया गया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि लोअर किया, ये क्या वैल्यू है 0.40, उन्होंने बोला कि इतनी कमी आई है फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है, मतलब ये डेल टीएफ है, कमी आई है ना जितनी, तो अमाउंट बता रहा है कितना कम हुआ है, तो दैट इज योर डेल टीएफ 0.40। अभी देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी दे दिया है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, मतलब आपका केएफ की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा ना स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लिखी हुई थी, इसलिए उसमें बड़ा डाउट आया। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एम टू पूछा है, सॉल्यूट को 2 से डिनोट करते हैं, मोलर मास का सिंबल है कैपिटल M, तो मतलब M2 की वैल्यू पूछी है। अब सब कुछ डाल दो, देखो ये KF की वैल्यू डाल दी है ना, ये W2 होता है, ऊपर मैंने बताया था ये W2 है आपका सॉल्यूट का वेट, इनटू 1000 करना है, नीचे क्या डालना था डेल TF है ना, कितना था वो 0.40, इनटू करना था आपने W1 जो कि आपका सॉल्वेंट का वेट है ग्राम में, 50 वैल्यू डाली, वैल्यू आ गई इसकी 256 ग्राम पर मोल। तो सॉल्यूट का क्या है मोलर मास आया है 256 ग्राम पर मोल। तो ऐसे क्वेश्चन आने हैं आपको इनके ऊपर। फिर अच्छा ऊपर एक जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो मैं बता देती हूँ हल्का सा, हालांकि इस पे क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो इन्होंने 2 फॉर्मूलाज और बताए हैं। देखो यहाँ पे जो 2 फॉर्मूलाज है ना, ये KF और KB के लिए है। KF को रिलेट किया गया है फ्यूजन एंथैल्पी से, क्योंकि फ्रीजिंग में क्या देखते हैं फ्यूजन एंथैल्पी, और बॉइलिंग में क्या देखते हैं वेपराइजेशन एंथैल्पी। तो KB को वेपराइजेशन एंथैल्पी से रिलेट करता है ये वाली इक्वेशन 2.38, एंड 2.37 किससे रिलेट करती है KF को, फ्यूजन एंथैल्पी से। तो फॉर्मूला जैसे याद रखना, R इंटू M1 इंटू TF स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू डेल फ्यूजन एंथैल्पी, चेंज इन फ्यूजन एंथैल्पी, कितना चेंज आ रहा है ठीक है एंथैल्पी में, ओके, जब वो लिक्विड से सॉलिड फेस में जा रही है, ठीक है, कोई चीज लिक्विड से सॉलिड फेस में जा रही है, फेस चेंज करती है, तो जाहिर सी बात है एंथैल्पी में चेंज आता है ना, 11th में पढ़ा है, तो कितना चेंज आया है, तो वो आपका फ्यूजन एंथैल्पी है। इधर भी सेम फॉर्मूला है, ऊपर की जैसा ही है, R इंटू M1, देखो यहाँ पे TF था तो यहाँ पे क्या जाएगा TB स्क्वायर, क्योंकि ये KB के लिए है, अपॉन 1000, यहाँ पे क्या आएगा वेपराइजेशन एंथैल्पी में कितना चेंज आया, अगर कोई जो आपका लिक्विड है वो बॉयल करके वेपर फेस में चला गया तो कितनी एंथैल्पी में चेंज आया, ओके। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको बिल्कुल, ओके, R क्या है आपका, सबको पता है ना R आपका गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बट फिर भी एक सेफ पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कर दो, ठीक है। अभी जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज योर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोसिस आपका वो फिनोमिना है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, अपनी लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, देखो मैं आपको ये आपको फिगर दिख रही है ना, यहाँ पर फिगर 2.9, ये जो अंदर इन्होंने एक थिस्टल फनल लगाई हुई है, ठीक है, ये फनल है, थिस्टल फनल, और नीचे बीकर में पानी रखा हुआ है, सॉल्वेंट है कोई, ठीक है। अब देखो आपको कलर डार्क दिख रहा होगा, जो थिस्टल फनल में सॉल्यूशन है उसका कलर थोड़ा डार्क है, ये लाइट सा है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, थिस्टल फनल में सॉल्यूट प्रेजेंट है ये, और ये जो बाहर है ये प्योर सॉल्वेंट है आपका, ठीक है। और ये जो थिस्टल फनल की जो सेपरेशन है, ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कैसे है, ये कैसी सेपरेशन है, ये कि सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन होती क्या है, ये जो ऐसी मैम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती है, जैसे वाटर है आपका छोटा मॉलिक्यूल है ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट
जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको पास होने नहीं देती, ठीक है। जनरली जो सॉल्यूट होते हैं आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बेसिकली, वो थोड़े से पानी से लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है, तो वो उनको पास नहीं होने देती, सिर्फ किसको पास होने देगी, पानी को पास होने देगी, छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देगी। समझ में आया? मतलब अगर आपने देखो थिस्टर पैनल इस सॉल्वेंट के अंदर रख दी, तो देखो इस थिस्टर पैनल में सॉल्यूट होगा, है ना, मैंने बताया ना ये कोई सॉल्यूशन है, कलर भी डार्क दिख रहा है, इसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होगा और पानी भी होगा, दोनों सॉल्यूशन है, पानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो यहाँ से सॉल्वेंट तो बाहर नहीं जा पाएगा, है ना, सॉल्यूट तो बाहर नहीं जा पाएगा, सॉल्वेंट बाहर जा सकता है। सिमिलरली यहाँ से भी सॉल्वेंट अंदर जा सकता है, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है ना, या तो पानी आपका थिस्टर फनल से बाहर की तरफ आए, बीकर की तरफ आए, या फिर बीकर से जाए थिस्टर फनल की तरफ, ठीक है, क्लियर। तो हमें हमेशा अपनी डायरेक्शन याद रखनी है ऑस्मोसिस की, जो आपका ऑस्मोसिस है वो हमेशा जहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस तरफ जाता है जहां पर सॉल्यूट की हायर कंसेंट्रेशन है। मतलब देखो पानी इस बीकर में भी है, पानी इस थिस्टर फनल में भी है, वही सॉल्वेंट है ना, तो पानी उस तरफ जाता है जहां पर सॉल्यूट की ज्यादा कंसेंट्रेशन हो। अब देखो जो इसमें पानी है क्या वो बाहर आएगा? आएगा, तुमको क्या लगता है? बाहर तो सॉल्यूट है नहीं ना, ऑस्मोसिस में पानी कहाँ जाता है? जहां पर सॉल्यूट की ज्यादा कंसेंट्रेशन हो। तो ये थिस्टल फनल से पानी बाहर नहीं आएगा, जबकि जो बीकर में पानी है वो थिस्टल फनल की तरफ जाएगा। क्यों? मतलब थिस्टल फनल के अंदर जाएगा, क्योंकि थिस्टल फनल में जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर थिस्टल पैनल से जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, मतलब इस थिस्टल पैनल में जो सॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब पहले मान लो यहाँ तक था सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक, जहाँ तक मेरा एरो दिख रहा है यहाँ तक सॉल्यूशन था, अभी इसके अंदर पानी जा रहा है ना बाहर से, तो हो सकता है ये अब ये यहाँ तक आ जाए, पानी का जो लेवल है वो रेज कर जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक होता रहता है, मतलब ये कब तक अंदर जाते रहेंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, जब तक इन दोनों मीडियम में एक इक्विलिब्रियम इस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम इस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक ये फ्लो आपका कंटिन्यू रहता है, ओके। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात तो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती अपने अंदर से। दूसरी बात कि जो ऑस्मोसिस है, ये जो प्रोसेस है, ये आपका मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है टुवर्ड्स हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जहां पर सॉल्यूट की ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी वहीं पर आपका सॉल्वेंट जाना पसंद करेगा। तीसरी बात क्या है, ये कि यहां पर ये फ्लो कब तक रहता है, ये मूवमेंट तब तक रहती है जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, क्लियर। अब हमारी बात सुनिए आप, यहाँ पर एक चीज, हाँ, अब आपको पूछे कि भाई बताओ कुछ नेचुरली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, तो पिग, ब्लैटर, पर्शमेंट, ठीक है, इवन जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जब मतलब घर में अचार डालते हैं, पिकल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, तो आपने देखा होगा जो मान लो मैंगो का पिकल बना रहे, तो जो मैंगो के पीसेस को काट के ना एक मतलब बड़े साल्ट, उसको बहुत ज़्यादा सॉल्टेड किया जाता है, उसके ऊपर बड़ा सॉल्ट डाला जाता है, उसका कारण क्या है जनरली, अब मैं आपको समझाऊंगी। और एक चीज़ और बतानी है आपको हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, वेट, उसे देखो, अब ये जो चीज़ें हैं ना कि जैसे कि आपका मैंगल जो आप पिकल बना रहे थे उसको सॉल्टेड क्यों किया जाता है, और आपने देखा होगा अगर आप फ्लावर्स को कि जो पेटल्स हैं जो मतलब थोड़ी सी मुरझा गई हैं, अगर आप उनको पानी में रख देते हो ना तो फिर से रिवाइव हो जाती है, फिर से मतलब खिल जाती हैं पानी की जो पेटल, सॉरी फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, ठीक है। तो इन सब रीजंस की, इन सब फिनोमिनास के पीछे क्या रीज़न है उसको समझने के लिए एक चीज़ हमें समझनी है, दैट इज़ योर ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, हमको ये जानना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। देखो ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है ना, इससे एक बड़ी खासियत सी बात है, देखो अगर मान लो ये एक सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कहाँ है, ज्यादा सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्वेंट में तो प्योर सॉल्वेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो सॉल्वेंट है नॉर्मली ऑस्मोसिस होगा, तो ये सॉल्वेंट कहाँ जाना प्रेफर करेगा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM स्टैंड फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये इधर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता, ठीक है, क्लियर। बट अगर अब देखो
इसके दौरान जाहिर सी बात है जब ये मूव कर रहे होंगे इस मेम्ब्रेन पर कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, है ना, ठीक है, इस मेम्ब्रेन पर कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा। अगर आप इस पर इतना प्रेशर लगा दें इस मेम्ब्रेन पर सो दैट कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ये इस तरफ जाना बंद कर दे, सॉल्यूशन की तरफ जाना बंद कर दे। ये इस फिनोमिना की बड़ी खासियत है कि अगर आपने सेमी परमेबल पर मेम्ब्रेन पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर से लगाया, कुछ तो इसके पास अपना होगा इंटरनल प्रेशर, क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ से पास कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा इस पर प्रेशर लगाया, ठीक है, ठीक है, और इतना प्रेशर लगा दिया, कुछ मामलों में कोई वैल्यू है, एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू, व्हाटएवर, कि उस प्रेशर लगाने पर ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं ये इधर सॉल्यूशन में जाना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रेशर है जहाँ पर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाना बंद कर देंगे, उस प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इस फिनोमिना की, क्या कि अगर आपने इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया, मान लो वाई था ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने वाई से ज्यादा लगा दिया, वाई प्लस टू वैल्यू लगा दी है, वाई प्लस थ्री लगा दिया, मतलब उससे कुछ ज्यादा प्रेशर लगाया, तो हमने ये देखा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे ना उनके फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने पर तो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करना बंद कर देते हैं, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई फ्लो नहीं होता जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपने लगा दिया उस सॉल्यूशन का। बट अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगाया किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब पहले जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल किस तरफ मूव कर रहा था, जहां पर सॉल्यूट की ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहीं पे मूव कर रहा था जहां पर सॉल्यूट की ज्यादा कंसंट्रेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाने पर उल्टा हो गया, अब ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ये उस तरफ मूव कर रहा है जहां पर सॉल्यूट की वैल्यू कम है, जहां पर सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट नहीं है ना, क्लियर। अब सॉल्यूशन में तो अच्छा खासा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन बना ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट से है, हेयर तो यहाँ पे तो सिर्फ सॉल्वेंट ही है, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है तो इधर तो है नहीं, सॉल्यूट की वैल्यू कम है, लोअर कंसंट्रेशन मान लो, तो यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस तरफ जाना, सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये कब हुआ, जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई। प्रोसेस तो ऑस्मोसिस ही हो रहा है, सेमी परमेबल के थ्रू ही क्रॉसिंग हो रही है ना, प्रोसेस तो ऑस्मोसिस है बट डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से नाम रख गया रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहली बात तो ऑस्मोसिस था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का उस तरफ जाना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है जो कि सॉल्यूशन में होती है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इन ऑस्मोसिस, ठीक है। बट अगर आप इस पर कुछ मिनिमम इतना प्रेशर लगा दें सो दैट कि यहाँ के मॉलिक्यूल इधर जाना बंद कर दें, उससे क्या, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना प्रेशर लगाने पर इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो फ्लो या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही थी वो रुक जाए, उस प्रेशर को हमने बोल देना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर। और अगर आपने उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस तरफ मूव करेंगे जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। मतलब क्या होगा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाने से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इधर जो है यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है। तो समझ में आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस में डायरेक्शन क्या होगी, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, और ऑस्मोसिस में होगी सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, क्लियर। ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है 2.39, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना आपका, यही आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका सॉल्यूट का नेचर क्या है, ठीक है, ओके। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, वो तो सबको पता है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल पाई सा दिख रहा है आपको, इट इज अ सिंबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड पाई इज इक्वल टू, मतलब इस प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। सी इज योर कंसेंट्रेशन, आर इज योर गैस कॉन्स्टेंट, एंड टी इज योर टेम्परेचर, केल्विन लेना है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है जी,
पढ़ा था ना सॉल्यूशन के, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि किसी चीज की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके डिसॉल्व हैं किसी गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में. मतलब 2 मोल डिसॉल्व हैं 10 ml में, तो हम क्या करेंगे 2/10 कर देंगे, दैट इज योर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू डाल दी गई है. सी की वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन होता है N2/V. एन टू क्या है, 2 स्टैंड फॉर सोल्यूट, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये आपकी होती है कंसंट्रेशन. बाकी इक्वेशन एज इट इज आर इनटू टी कर दिया. क्लियर? अब देखो यहाँ पर फर्दर इन्होंने एन टू की भी वैल्यू डाल दी है. पहले तो सी की वैल्यू डाली एन टू ओवर बी, अब एन टू की वैल्यू डाल दी है. एन टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल. कैसे निकालते हो, वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू, क्योंकि यहाँ पर एन टू का पूछा है तो डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू होगा. तो लिख दिया जी, वो भी हमने डाल दिया, तो इक्वेशन बन गई मेरी पाई वी डब्ल्यू टू आर टी ओवर एम टू. अब ये मत पूछना कि वी कहाँ से आया, कहाँ से आया वी, ये जो वी इधर था ना राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड लेके गए ना, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर पाई वी बना है. अब देखो इस इक्वेशन, ये जो आई है 2.41, इसमें से एम टू की वैल्यू निकाल दो, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है. एम टू क्या हो जाएगा, एम टू को इधर लेके जाओ, पाई वी को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो क्या बन गया डब्ल्यू टू आर टी ओवर पाई वी. ठीक है, क्या, तो ये हमारी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आ गई, जो जनरली हमसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है. अभी मैं इसमें न्यूमेरिकल दिखाती हूँ आपको, फिर मैं एक चीज समझ, एक कंसेप्ट और बताना है आपको. ये वाला न्यूमेरिकल देखो आप इस पे, एग्जाम्पल 2.11. ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या कहता है, 200 cm³. एक बात याद रखना, 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml मिलीलीटर. 1 cm³ किस इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है. ठीक है, आगे बढ़ो. ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, 200 ml था एक्वस सॉल्यूशन का, ऑफ अ प्रोटीन दैट कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन. तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि पानी सॉल्वेंट है. एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कि पानी में घोला हुआ है, मतलब घोल पानी में बनाया है आपका, सॉल्वेंट आपका वाटर है. तो ये प्रोटीन है आपका सॉल्यूट है, क्योंकि इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन है ना, तो मतलब पानी में प्रोटीन का सॉल्यूशन है, प्रोटीन को पानी में डिसॉल्व किया गया है, प्रोटीन आपका सॉल्यूट है, पानी आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है. तो 1.26 ग्राम प्रोटीन का वेट है, तो इसको क्या डिनोट करूंगी मैं, W2. तो 1.26 ग्राम आपका W2 है. ओस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया देखो 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, ओस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.57 × 10⁻³ - 3 bar. पाई की वैल्यू भी दे दी, टी भी दे दिया, मोलर मास पूछ लिया आपसे प्रोटीन का, निकाल दोगे आप तो, है ना, बढ़िया तरीके से, है ना. अभी क्या करना है आपने, देखो एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, फॉर्मूला तो याद है ना, एम टू इज इक्वल टू क्या था, एन टू डब्ल्यू टू आर टी, ये वाला फॉर्मूला लगाना था, डब्ल्यू टू आर टी पाई वी, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, और आर की वैल्यू मैं बताऊंगी कौन सी लेनी है. ठीक है, टी तो कैलविन में ही होगा. ओके, देखो अब यहाँ पे W2 डालती है 1.26, R की वैल्यू रखनी है 0.083. ठीक है, इसके यूनिट होते हैं लीटर बार पर केल्विन पर मोल. हो सकता है आपने एक R की वैल्यू और हम यूज करते हैं, दैट इज योर 8.314. कौन सी होती है, 8.314, पर वो वैल्यू यूनिट कुछ और होती है, उसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल. उसकी क्या यूनिट होती है, जूल पर केल्विन पर मोल. ये जो वैल्यू है इसकी यूनिट अलग है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल. जनरली ये जो वैल्यू है ये उन इक्वेशन में यूज की जाती है जहां पर प्रेशर वाली टर्म आती है, लीटर बार है ना, बार इज यूनिट फॉर प्रेशर. ठीक है, तो ये जनरली ये वैल्यू वहां यूज की जाती है जहां पर प्रेशर की टर्म आती है कोई. यहां पर इस इक्वेशन में जो ये फॉर्मूला है इसमें प्रेशर की टर्म है ना, ओस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, तो हमने इसलिए ये वाली वैल्यू यूज करनी है 0.083. अदरवाइज मोस्टली इक्वेशन में आपके आर की वही वैल्यूज होती है, कौन सी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी आर की, टी 300 केल्विन है, प्रेशर डाल दिया जी, और हमने वॉल्यूम डाल दिया अपना लीटर में, ये इन्होंने ml में दिया था, सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर, तो मैंने लीटर में चेंज किया इसको 1000 से डिवाइड करके, तो हो गया 0.200 liter. वैल्यू पुट करी, आंसर आया आपका 61022 ग्राम पर मोल. तो आप इन एप्लीकेशन समझ रहे हो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, इतनी बड़ी वैल्यू मोलर मास के निकालने अदरवाइज बड़ी मुश्किल होती है, अगर हम किसी दूसरे मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना मोलर मास निकालना, तो हमको बहुत ज़्यादा ये मतलब बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है इतनी बड़ी वैल्यू को निकालना, कैलकुलेट करना. बट
थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम जो बड़े मॉलिक्यूल हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं उनका भी मोलर मास बड़ी इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ओस्मोसिस ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। अब मेरी बात सुनो, एक जो मैंने आपको कंसेप्ट और बताना है, अभी पढ़ लिया आपने ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ओस्मोसिस आपने पढ़ लिया, ठीक है, न्यूमेरिकल भी देख लिया, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी समझ में आ गया है। अभी जो कंसेप्ट हमने बताना है, जो मैंने आपको बता रही थी कि क्यों पिकल को साल्टेट करते हैं, है ना, क्यों जो आपकी फ्लावर की पेटल्स हैं वो रिवाइव हो जाते हैं अगर आप उसे पानी में रख दें, है ना, ऐसा क्यों होता है, इसका ये कारण है। देखो, अगर आपने हमारे जो ब्लड सेल ब्लड बॉडी में जो ब्लड में फ्लूइड रहता है हमारे बॉडी के, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज योर 0.9%। एंड ये कंसंट्रेशन कैसी है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम पता है ना, हाँ ठीक है, NaCl सॉल्यूशन का जो होगा 0.9%, ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारे जो बॉडी ब्लड सेल में फ्लूइड रहता है उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। आपने शायद बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जो आपको इंजेक्शन लगते हैं ना, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो सीधी वेन में लगते हैं, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, ऑब्वियसली हर सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होती है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% मेंटेन की जाती है, ठीक है ना, मतलब 0.9% से ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। कारण क्या होगा, देखो जी, मान लो ये वाली फिगर देखो आप, इधर जो मैंने येलो लाइन से सेपरेशन किया हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लूइड इन ब्लड सेल 0.9%, ठीक है। अगर मैंने अपनी ब्लड सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जो ब्लड सेल में फ्लूइड प्रेजेंट है ना उसकी कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, मैंने अपनी ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी वैल्यू 0.9% से ज़्यादा है। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, 0.9% आपका जो ब्लड सेल में फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन में अगर मैंने रख दिया ब्लड सेल को तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 0.9% से ज़्यादा है, यहाँ पर 0.9% है, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सोल्यूट की वैल्यू किस केस में ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है या इस राइट वाले में ज़्यादा है। देखो जिसकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है ना, जिस सॉल्यूशन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पर सॉल्यूट की वैल्यू उतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है। अब बॉडी फ्लूइड जो होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है, और जो ब्लड सेल होते हैं ना आपकी वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, जो आपकी ब्लड सेल हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती हैं, तो जो वाटर होगा ना जो बॉडी ब्लड सेल के जो फ्लूइड में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो किस तरफ जाएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा जिसमें आपने ब्लड सेल अपना रखा है। क्यों जा रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन जिसमें आपने ब्लड सेल को रख दिया है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर ओस्मोसिस हो जाएगा क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है इधर लो कंसंट्रेशन है, तो पानी जैसा मॉलिक्यूल आपको पता है ओस्मोसिस में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो इधर है राइट साइड में हायर कंसंट्रेशन है तो ब्लड आपकी सेल से पानी निकल के जिस इस सॉल्यूशन में आना शुरू कर देगा जिस सॉल्यूशन में आपने अपने ब्लड सेल को रखी है, ठीक है, तो मतलब ब्लड सेल में से पानी निकल कर बाहर आ रहा है, समझ रहे आप, इससे क्या होगा जो ब्लड सेल आपकी श्रिंक कर जाएगी, है ना, ब्लड सेल आपकी श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड सेल श्रिंक करेगी तो ब्लड का फ्लो कैसे होगा, है ना, ब्लड सेल अपनी ओरिजिनल शेप में रहनी चाहिए ना, या अगर वो श्रिंक करके जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली माइट भी आपको ऑक्सीजन ना मिल पाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन ये जो ब्लड सेल की फ्लूइड से ज़्यादा होती है, ठीक है, 0.9% से जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपर माने ज़्यादा, है ना, हाइपर हो जाता है मतलब ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, ओके, इसकी समझ में आया आपको, मतलब अगर आपने ब्लड सेल किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी है तो पानी जो वाटर है जो ब्लड सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें से वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आने से क्या होगा आपकी ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगी, ओके, समझ में आया, तो हाइपरटोनिक में ब्लड सेल श्रिंक करती है। तो पिकल वाला जो एग्जाम्पल है ना, पिकल जो साल्ट करते हैं हम वो इसलिए करते हैं, देखो जो आम है आपने काट दिया तो ऑब्वियसली जो मैंगो है आपका फ्रूट है उसमें वाटर प्रेजेंट है, अगर फ्रूट में को आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो आपको वो वाटर रिमूव करना पड़ेगा उसमें से,
वो क्यों करना पड़ेगा, अगर उसमें पानी प्रेजेंट होगा ना तो उसमें आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह मतलब पैदा हो जाएंगे और उससे वो जो फ्रूट है वो खराब हो जाएगा। आप देखना कि अचार तो आम का इतने सालों तक स्टोर कर सकते हो, आप मैंगो को स्टोर कर सकते हो, मैंगो आप 4-5 दिन के बाद आप देखोगे मैंगो खराब हो गया, क्योंकि उसमें खुद ब खुद कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे जिससे वो धीरे धीरे गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगर हमें किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है लंबे टाइम तक के लिए, तो हमें उस फूड आइटम में से वाटर को रिमूव करना है। सिमिलरली ऐसे मीट का भी साल्टेड किया जाता है, मीट को भी, जो मीट बिकते हैं ना फ्रीजर में करके, है ना, फ्रीजर में रखे मतलब रखे हुए जो मीट, पुराने मीट बिकते हैं मार्केट में, उनको भी साल्टेड किया जाता है कि सो दैट उस मीट में जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर पानी बाहर निकल गया ना, आपने देखो बहुत सारे उसमें नमक लगा दिया ना आम में या फिर मीट में, तो क्या होगा, बाहर जो NaCl की कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा है ना, बाहर ज़्यादा है, जैसे आपने मतलब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, कहने का मतलब ये हो गया, तो अचार में से जो है पानी बाहर की तरफ निकलेगा, हाइपरटोनिक में रखते हैं तो पानी बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो जो अचार में से जो उसकी जो भी सेल वेल होंगी वो श्रिंक कर जाएंगी, पानी बाहर निकल जाएगा, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो अचार में कोई बैक्टीरिया पैदा होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, है ना, तो मतलब अचार आपका खराब नहीं होगा अगर आपने उसे प्रॉपरली साल्टेड कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने अपना मीट जो है उसको भी अगर प्रॉपरली साल्टेड कर दोगे तो मीट में जो वाटर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली वो भी एक एनिमल का ही बॉडी पार्ट है, तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी पार्ट में वाटर तो प्रेजेंट होगा ही ना, तो वो बाहर निकल आएगा पानी, जिससे क्या होगा उसकी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया नहीं बनेंगे जो उसकी बॉडी को खराब करें या फिर उस मीट के पीस को मतलब खाने के लायक ना छोड़ें। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को साल्टेड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाइपरटोनिक क्या होता है और हमारा मतलब अगर हाइपरटोनिक में रख देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, जनरली अब देखो दूसरे तरह के सॉल्यूशन होते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होते हैं जी, ये ज्यादा कंसंट्रेशन वाला था ना 0.9% से, हाइपोटोनिक होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम होती है। ठीक है, जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% से कम होती है वो आपके हाइपोटोनिक होते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, तो मान लो ये साइड मेरी लेफ्ट साइड जो है, ये लेफ्ट है ना, इधर मैंने ब्लड सेल रखी है जिसकी आपकी मतलब कंसंट्रेशन है 0.9%, है ना। अब इस ब्लड सेल को मैंने रख दिया है किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम है। ठीक है, ये आपके इधर 0.9% से कम आपको दिख रहा है, मतलब हाइपोटोनिक में रखा है आपने। अब क्या होगा, अब देखो ये ब्लड सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, ओस्मोसिस होगा। अब ओस्मोसिस किस कहाँ से किस तरफ होगा, बताया था उस तरफ जाता है पानी के मॉलिक्यूल, उस तरफ जाएंगे जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तो 0.95% से कम है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कम है, इधर 0.9% है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से निकलकर इधर ब्लड सेल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं जी, पानी मूव कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ब्लड सेल में पानी आ रहा है बाहर से, जिस सॉल्यूशन में आपने ब्लड सेल रखी थी ना उसके अंदर अब क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। पानी आने से क्या होगा, ब्लड सेल की जो स्वेलिंग हो सकती है ऑब्वियसली होगी ना, मैं अपने अंदर पानी भरूं कुछ करूं, है ना, मेरे बॉडी स्वेलिंग करेगी ना, तो सिमिलरली जो आपकी ब्लड सेल है वो भी स्वेल करती है और हो सकता है वो इस लिमिट तक पहुंच जाए कि फर्दर वो वाटर का एडिशन ना ले पाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो जो ब्लड सेल है आपकी रप्चर हो जाती है। अगर ज़्यादा पानी आने लग गया तो थोड़ा पानी तो एब्जॉर्ब कर लेगी, जाहिर सी बात है स्वेल हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा पानी आने पर क्या होगा, लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, तो ब्लड सेल रप्चर हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है, ओके, तो अगर आप अपनी ब्लड सेल को किसी हाइपरटोनिक में रखते हैं तो वो श्रिंक होती है, अगर आप ब्लड सेल को हाइपोटोनिक में रखते हैं तो वो स्वेल होती है। ठीक है, ओके, वाटर विल फ्लो इन टू द सेल एंड सेल विल स्वेल, ओके, क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, और ये तो हो गया हाइपरटोनिक एंड हिपोटोनिक। ठीक है, हाइपर एंड हाइपो, ठीक है। अब वो एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम, तो वो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन उतनी होती है जितनी ब्लड सेल में फ्लूइड की कंसंट्रेशन होती है, दैट इज योर 0.9%। ठीक है, तो किसी आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% है ना, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, अगर मान लो मैंने ब्लड सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन भी क्या है 0.9%, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा,
क्योंकि ओस्मोसिस कहाँ जाता है, मतलब पानी ओस्मोसिस में कहाँ जाता है, हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, तो दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल है तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा, ना तो पानी अंदर आएगा सेल्स में और ना ही सेल से बाहर जाएगा, ठीक है। तो आपकी सेल आपकी ओरिजिनल शेप में मेंटेन रहेगी जिसमें भी वो रहती है, ठीक है, और बॉडी आपकी प्रॉपरली वर्क करती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो आपके इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं उनको 0.9% कंसेंट्रेशन का रखा जाता है, सो दैट कि ना तो वो स्वेल करे आपकी ब्लड सेल और ना ही श्रिंक करे, क्योंकि दोनों केस में वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ओके। तो ये चीज मैंने आपको समझानी थी। ये जो कंसेप्ट है हाइपरटोनिक हिपोटोनिक का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, आई थिंक सो। अच्छा, अभी इस जो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा ना, इससे रिलेटेड एक मेडिकल प्रॉब्लम आती है बॉडी में, मैं बताती हूँ क्या है। अभी तक हमने दो तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं इस चैप्टर में, अगर याद हो तो। एक तो हमने बेंड्स की पढ़ी थी, जो किसमें होती है, स्कूबा डाइवर्स में, है ना, बताया था मैंने तुमको। और एक मैंने बताई थी एनोक्सिया, एनोक्सिया किसमें था, उन लोगों में होती है जो काफ़ी हिली एरिया पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, हाइट पर रहते हैं काफ़ी, वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती, तो उनका जो बॉडी है उतनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो उन लोगों की जो थिंकिंग एबिलिटी वगैरह होती है, मेंटल जो लेवल होता है उनका थोड़ा सा कम होता है इस वजह से, ओके। अभी इस टॉपिक में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं बता देती हूँ। तो आपने देखा कुछ लोग ना बड़ा ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, है ना, तो मना करते हैं ना डॉक्टर की सॉल्ट ज़्यादा नहीं खाना, उसका रीज़न है क्या होगा। देखो, जो लोग ज़्यादा सॉल्ट या सॉल्टी फूड लेते हैं ना, अब देखो आपने सॉल्ट ज़्यादा ले लिया, नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले ली, तो इस केस में क्या होने वाला है कि आपके जो टिश्यूज होते हैं ना उसमें से ब्लड पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलता है ना, आपने श्रिंक आपने देखा है कि अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है ना तो पानी बाहर निकलता है और सेल श्रिंक करती है आपकी, जो मैंने अभी बताया था। तो ज़्यादा सॉल्टी फूड लेने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब हाइपरटोनिक में जा रही है आपकी बॉडी, तो आपके जो उससे क्या होगा कि पानी जो है आपकी इंट्रा सेलुलर स्पेसिस में आ जाएगा, टिश्यूज से निकल जाएगा, जो भी आपके सेल्स वगैरह हैं वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो जो इंट्रा सेलुलर स्पेसिस है, दो सेल के बीच की जो स्पेसिस है, वहाँ पर पानी रिटेन कर जाता है, ठीक है, निकल गया, वो कहाँ जाएगा, स्पेस में आ गया, अब क्या करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि उन स्पेसिस में पानी भरने से पफिनेस और स्वेलिंग आ जाती है, जहाँ जहाँ पर भी वो पानी जाएगा ना इंट्रा सेलुलर स्पेसिस में, सेल्स से पानी निकलेगा, ठीक है, तो बीच में जो दो सेल्स के बीच का स्पेस होगा जिसे हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस, वहाँ पर वो रिटेन कर जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा उसका वहाँ पर पानी का, तो उसकी वजह से उस पोर्शन पर जहाँ पर भी इंट्रा सेलुलर स्पेस रहेगा वहाँ पर पफिनेस या स्वेलिंग आ जाएगी। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम एडिमा, ठीक है। तो दिस मेडिकल प्रॉब्लम इज नोन एज एडिमा, ठीक है। इसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा साल्टी फूड ना लें, ठीक है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ इसकी एप्लीकेशन मैंने बतानी है। एक चीज मैं बताती हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन मैं बता दूंगी अभी, उसके बाद हम आपको एक चीज बता दें, ये जो कंसेप्ट है ना एबनॉर्मल मोलर मास, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बाद का कोई टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, ये सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट तक पढ़ना है आपने, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस आपको बताया था कि अगर आपने सेमी परमेबल मैम्ब्रेन, जैसे ये सेमी परमेबल मैम्ब्रेन है, इस पर अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो है उसके डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। देखो, अगर यहाँ पर मान लो मैंने कोई प्रेशर नहीं लगाया तो मेरा पानी कहाँ जा, पानी के मॉलिक्यूल का फ्लो किस तरफ होगा, इधर फ्रेश वाटर है, इधर सी वाटर है। अब सॉल्यूट किस में होंगे, सी वाटर में ही होंगे ना, जाहिर सी बात है, सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं बड़े सी वाटर में, है ना, आपका सॉल्यूट सी वाटर में काफ़ी है, फ्रेश वाटर में इतना नहीं होता है, ठीक है, कम है। इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है, राइट साइड हायर कंसंट्रेशन है और लेफ्ट साइड लोअर है। तो ये जो फ्रेश वाटर के जो मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, ये ऑब्वियसली बात है राइट की तरफ मूव करेंगे, सी वाटर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर ये यहाँ से फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ मूव करे, क्या हमें इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, कुछ होगा फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा तो जो फ्रेश वाटर था वो सी वाटर में मिल रहा है जाके, मतलब सी वाटर हमारा जो हमारा सॉल्ट वाटर है, सी वाटर है, वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता ना, तो हमारा फ्रेश वाटर हमारे लिए बड़ा यूजफुल होता है। तो फ्रेश वाटर सी वाटर में मिल रहा है, मतलब वो पानी हमारा बेकार हो रहा है, हमारा उसको हमारे पास उसकी कोई एप्लीकेशन है नहीं, ठीक है। तो कोई भी बंदा ऐसा तो नहीं करेगा ना साफ पानी को गंदा पानी करे, तो हमारे पर्पस क्या होता है कि गंदे पानी को साफ करना है।
तो हमने क्या किया, इस जो सेमी परमेबल मैम्ब्रेन है ना, मान लो पाई इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस मैम्ब्रेन में इस सॉल्यूशन का पाई सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर है, इससे ज्यादा प्रेशर मैंने कुछ लगाया, पाई से ज्यादा प्रेशर लगाया इस सेमी परमेबल मैम्ब्रेन पर, उससे क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। रिवर्स कैसे हो गई, कि अब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो उस तरफ जाएंगे जहां सॉल्यूट के लोअर कंसेंट्रेशन है। तो सॉल्यूट की लोअर कंसेंट्रेशन कहाँ है, लेफ्ट साइड है ना। तो सॉल्ट वाटर से पानी के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर में, है ना। तो पानी के मॉलिक्यूल ही जाएंगे, जो सॉल्ट है वो नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा आपका, ये जो सॉल्ट वाटर है वो प्योरीफाई हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। पानी तो बहुत है हमारे पास, पर हमारा प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर पानी जो है वो एज अ सी वाटर की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस टेक्निक से हम सी वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्ट वाटर है आपका, उसे आप अगर रिवर्स ऑस्मोसिस लगाओगे तो वो फ्रेश, इससे यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल फ्रेश वाटर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है। अब सॉल्यूट के नहीं जा पाएंगे, सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से साफ पानी आपने फ्रेश वाटर वाली साइड में कर लिया, आपका जो सॉल्ट वाटर है वो प्योरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसेलिनेशन ऑफ वाटर। डीसेलिनेशन समझ गए ना, मतलब जो सी वाटर था ना उसमें से नमक नहीं हमने लिया, सॉल्ट नहीं लेके आए, हम सिर्फ पानी लेके आए, ठीक है ना। पानी को निकाल, सॉल्ट को हमने निकाल दिया है, सिर्फ पानी को हमने अलग कर लिया है सी वाटर से, ठीक है। तो इस जो आपका ये जो प्रोसेस है, इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, क्योंकि पानी की डिमांड कितनी है इस टाइम इस दुनिया में, ये आप सबको पता है। तो इसलिए बड़े स्लोगन आते रहते हैं, सेव वाटर सेव अर्थ, ठीक है। और जनरली यहाँ पर जो आपकी ये जो सेमी परमेबल मैम्ब्रेन होती है, तो ये आपकी सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, ये जस्ट सिर्फ नॉलेज के लिए है, सेलुलोज एसीटेट की बनी। मैंने बताया था ना आपको पिग ब्लैडर की जो मैम्ब्रेन होती है वो भी एज अ सेमी परमेबल मैम्ब्रेन एक्ट करती है, हमारे ब्लड सेल की जो मैम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमेबल होती है, एक आपका सेलोफेन आता है उसकी भी होती है, पर्चमेंट पेपर की होती है। तो देर सो मैनी, तो आपको दो तीन पता होनी चाहिए, काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, ये सब कुछ आपके सिलेबस से हट गया है और आपका ये चैप्टर आज खत्म हो गया है। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में तो मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या बताना था, हाँ, कि इस चैप्टर को अगर नहीं ही, अगर कम समझ में आया है कुछ भी है ऐसा, आप वीडियोस को फिर से देखते रहे, जितना ज़्यादा बार आप वीडियोस को देखोगे सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।